वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। मैं मुकेश आज आपके साथ डिस्कस करूंगा अपना सॉइल मैकेनिक्स का अगला चैप्टर, जिसका नाम है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, मृदा की अपरूपण क्षमता। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हमें क्यों पढ़नी है, क्यों हमें स्ट्रेंथ के बारे में पता करना है? वो हमें इसलिए पता करना है क्योंकि अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप कोई भी स्ट्रक्चर आप सॉइल पे ही बनाएंगे ना अपना स्ट्रक्चर, तो आपने क्या किया, सॉइल पे स्ट्रक्चर बनाया और आपको उस सॉइल की स्ट्रेंथ नहीं पता है तो वो स्ट्रक्चर आपका सही से वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो आपकी डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स होती हैं उनकी अलग अलग जगह पे और अलग अलग तरीके की सॉइल्स भी होती है। ठीक है, क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की सॉइल होती है, इस वजह से हमें उनकी स्ट्रेंथ के बारे में नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे हम जो सॉइल मैकेनिक्स है इसमें आप शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल शुरू करेंगे और शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये समझ लेते हैं। पहले हम क्या समझ लेते हैं, सिलेबस समझ लेते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स में हम पढ़ने के क्या वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, कि कॉन्सेप्ट क्या है शियर स्ट्रेंथ का और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और क्या है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में, ठीक है, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि डिटरमाइन कैसे करते हैं शियर स्ट्रेंथ को, डिटरमाइन शियर स्ट्रेंथ को कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कुछ टेस्ट पढ़ने वाले हैं, उन टेस्ट में सबसे पहला जो टेस्ट हम पढ़ेंगे वो है डायरेक्ट शियर टेस्ट। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट इसमें जो पढ़ेंगे वो है आपका वेन शियर टेस्ट। नेक्स्ट इसमें जो टेस्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वेन शियर टेस्ट। तो ये आपका है मोटा मोटा सिलेबस, इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे डिफिनीशन। क्या पढ़ेंगे, डिफिनीशन कि आखिर जो स्ट्रेंथ है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है वो है क्या, उसकी परिभाषा क्या है या फिर डिफिनीशन क्या है। तो जो भी आपको पता है कि जो भी आपकी सॉइल है क्या है, सॉइल है, उस सॉइल में जो भी उसके अंदर क्या है रेजिस्टेंस है किसी भी एक्सटर्नल लोड के प्रति, कोई भी आप एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं उसके प्रति वो सॉइल जितना प्रतिरोध दिखाती है, रेजिस्टेंस दिखाती है, वही रेजिस्टेंस उस सॉइल की अपरूपण क्षमता या फिर अपरूपण सामर्थ्य या फिर शियर स्ट्रेंथ कहलाती है। तो आइए लिख लेते हैं क्या कि मृदा पर अपरूपण के प्रति अपरूपण यानी डिफॉर्मेशन के प्रति प्रतिरोध उसकी अपरूपण सामर्थ्य कहलाती है। जो प्रतिरोध है वही क्या कहलाता है, उसकी अपरूपण सामर्थ्य कहलाती है या फिर शियर स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी में लिख लो, इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि विकृति यानी डिफॉर्मेशन के विरोध में मृदा द्वारा लगाया गया नॉर्मल प्रतिरोध बल उसी को हम क्या बोल देंगे, लगाए गए नॉर्मल प्रतिरोध बल को हम बोल देंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो विकृति के विरोध में मृदा द्वारा लगाया गया प्रतिरोध बल क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या कहलाता है, शियर
द सॉइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग। ये हो गई डेफिनेशन कि शियर स्ट्रेंथ होती क्या है, ठीक है, ये क्या है, शियर स्ट्रेंथ होती क्या है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं। यहां हेडिंग लगाइए कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ शियर स्ट्रेंथ, कंपोनेंट्स ऑफ शियर स्ट्रेंथ। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ शियर स्ट्रेंथ की अगर बात करें, तो अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। पहले होते हैं हमारे फ्रिक्शनल कंपोनेंट और दूसरे होते हैं कोहेजन कंपोनेंट्स, ठीक है, कोहेजन कंपोनेंट्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं फ्रिक्शनल कंपोनेंट्स की, किसकी, फ्रिक्शनल कंपोनेंट की, फ्रिक्शनल कंपोनेंट। दूसरे हमारे क्या होते हैं, कोहेजन कंपोनेंट्स, कोहेजन कंपोनेंट। ये किसकी वजह से होता है, ये इंटरमॉलिकुलर, इंटरमॉलिकुलर, मॉलिकुलर जो फोर्स होता है उसकी वजह से आपके फ्रिक्शनल कंपोनेंट बनते हैं, और कोहेजन कंपोनेंट जो जिसके कारण जो मृदा या सॉइल है वो आपस में जुड़ी रहती है वो क्या कहलाते हैं, कोहेजन कंपोनेंट कहलाते हैं, जिसके कारण, जिसके कारण मृदा के कण आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, जिसके कारण मृदा के कण आपस में जुड़े रहते हैं वो आपका क्या होता है, कोहेजन कंपोनेंट होता है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के वजह से होता है वो कौन सा होता है, फ्रिक्शनल कंपोनेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि सिविल इंजीनियरिंग में शियर स्ट्रेंथ का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम सिविल इंजीनियरिंग में शियर स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है शियर स्ट्रेंथ का सिविल इंजीनियरिंग में। हेडिंग लाइए सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑफ शियर स्ट्रेंथ, ऑफ शियर स्ट्रेंथ इन सिविल इंजीनियरिंग। सिग्निफिकेंस क्या है शियर स्ट्रेंथ का सिविल इंजीनियरिंग में। तो आपको पता है कि आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके लिए आपको सॉइल की क्या पता करनी होती है, बियरिंग कैपेसिटी, धारण क्षमता, कि वह सॉइल आपकी कितना वेट बियर कर सकती है, कितना वेट सह सकती है, ये पता करना होता है। तो सबसे पहला क्या हो गया आपका कि बियरिंग कैपेसिटी प्राप्त करने है, बियरिंग कैपेसिटी, धारण क्षमता प्राप्त करने है, बियरिंग कैपेसिटी प्राप्त करने है, ठीक है। दूसरा अगर आपका हम देखें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यूज क्या है, तो फाउंडेशन के डिजाइन में, फाउंडेशन के डिजाइन में, फाउंडेशन के डिजाइन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका है क्या, डैम्स के डिजाइन में, डैम्स के डिजाइन में। और अगर हम देखें तो क्या देखेंगे कि रिटेनिंग वॉल के डिजाइन में भी हमें शियर स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, रिटेनिंग वॉल के डिजाइन में, रिटेनिंग वॉल के डिजाइन में भी हमें शियर स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये आपका हो गया कि सिग्निफिकेंस क्या है शियर स्ट्रेंथ का सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो अब एक पॉइंट आता है एंगल ऑफ रिपोज या फिर विश्राम कोण। तो आपको पता है कि आपकी सॉइल है, आपकी क्या है, सॉइल है, अगर वह सॉइल कहीं पर भी इकट्ठा है और एक स्लोप पे उसको रखा गया है तो क्या करेगी, एक समय के बाद अगर उसके अंदर जो शियर स्ट्रेंथ है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वो वीक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी, तो आपका वो जो सॉइल है वो किसी एंगल पे वहां से स्लाइड कर जाएगी, फेल कर जाएगी, ठीक है। तो वही एंगल जिस एंगल पर आपकी सॉइल क्या कर जाती है, खिसक जाती है, हॉरिजॉन्टल पे खिसक जाती है, वही एंगल आपका विश्राम कोण या फिर एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है।
टेक्निकली इसको लिख लेते हैं कि होता क्या है। हेडिंग डालिए एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज या फिर विश्राम कोण, विश्राम कोण, विश्राम कोण, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज या फिर विश्राम कोण। तो आइए इसमें देखते हैं कि क्या होता है। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, क्या क्षैतिज या फिर हॉरिजॉन्टल, यहाँ लिखिए क्षैतिज, ब्रैकेट में लिख लीजिए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से बना वह कोण, हॉरिजॉन्टल से बना वह कोण, वह कोण जिस पर मृदा स्वयं प्राकृतिक रूप से, जिस पर मृदा स्वयं प्राकृतिक रूप से खिसक कर, स्वयं प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से खिसक कर बनती है, रूप से खिसक कर, खिसक कर बनाती है, बनाती है, बनाती है, विश्राम कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्राम कोण या फिर एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, विश्राम कोण कहलाता है, ठीक है। आपका ये जो विश्राम कोण होता है ये कई फैक्टर्स पे निर्भर रहता है। देख लेते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे जो ये है, क्या एंगल ऑफ रिपोज ये डिपेंड करता है। तो यहाँ लिख लीजिए कि जो आपका एंगल ऑफ रिपोज है या फिर क्या विश्राम कोण है, क्या विश्राम कोण, विश्राम कोण निम्न कारकों पर निर्भर रहता है, निम्न कारकों पर, कारकों पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है, निम्न कारकों पर निर्भर रहता है। पहला कारक इसमें देख लेते हैं, पहला है स्पेसिफिक ग्रेविटी। पहला क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। पहला आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका स्पेसिफिक शेप ऑफ साइज, क्या शेप और साइज ऑफ पार्टिकल, शेप और साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, शेप और साइज ऑफ पार्टिकल, और साइज एंड, साइज एंड ग्रेडेशन ऑफ, ग्रेडेशन ऑफ, ग्रेडेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल, ठीक है। तो आपका जो एंगल ऑफ रिपोज होता है, विश्राम कोण होता है, ये कई कारणों पर निर्भर रहता है। जैसे आपका पहला आपका शेप और साइज पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे और साइज एंड ग्रेडेशन पे, यानी जो ग्रेडिंग है सॉइल पार्टिकल्स हैं वो किस साइज के हैं, इस पे आपका जो एंगल ऑफ रिपोज है वह आपका डिपेंड करता है, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड करता है। अब हमें पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कूलाम्स के नियम के बारे में। कूलाम्स लॉ क्या है, कूलाम का नियम क्या है, तो आइए शुरू करते हैं कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ या फिर कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। कूलाम एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, क्या थे, एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिन्होंने, एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिन्होंने 1776 में एक थ्योरी दी, जिन्होंने 1776 में क्या दी, एक थ्योरी दी या एक लॉ दिया या एक प्रिंसिपल दिया, ठीक है, एक थ्योरी दी। उस थ्योरी में उन्होंने बताया कि जो मृदा की अपरूपण सामर्थ्य होती है, क्या होती है, अपरूपण सामर्थ्य होती है या फिर जो शियर स्ट्रेंथ होती है, वह शियर स्ट्रेंथ उसमें कोहेजन और उसमें उस सॉइल में कोहेजन और आंतरिक कोण, इंटरनल फ्रिक्शन, जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, उस पर निर्भर होती है, उस पर निर्भर होती है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या बताया, कहा कि मृदा की अपरूपण क्षमता, क्या कहा कि मृदा की अपरूपण क्षमता,
मृदा की अपरूपण क्षमता शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, मृदा की अपरूपण क्षमता सामर्थ्य, अपरूपण क्षमता या इसी को सामर्थ्य बोलेंगे, मृदा कणों सॉइल पार्टिकल्स, मृदा कणों में कोहेजन, क्या बोलेंगे, कोहेजन और मृदा कणों पर आने वाले नॉर्मल स्ट्रेस और कणों पर आने वाले नॉर्मल स्ट्रेस एवं मृदा कणों के आंतरिक घर्षण कोण एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ठीक है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पर निर्भर करती है। ये आपका हो गया कूलाम का नियम। इसको अगर मैथमेटिकली लिखें, और उन्होंने कहा कि जो भी अपरूपण सामर्थ्य होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या समानुपाती होती है किसके, नॉर्मल स्ट्रेस के। उन्होंने कहा कि जो शियर स्ट्रेंथ होती है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेस। क्या कहा कि जो उस पे नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है, जो उस पे अविलंब प्रतिबल आ रहा है, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई शियर स्ट्रेंथ। तो शियर स्ट्रेंथ को अगर हम लिखते हैं टाउ एफ से, किससे लिखते हैं टाउ एफ से, तो टाउ एफ जो है वो हो जाएगी सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। ये उन्होंने रिलेशन दिया, उन्होंने क्या दिया, ये रिलेशन दिया। क्या कहा कि जो टाउ एफ है, शियर स्ट्रेंथ है, वो होगी सी प्लस सिग्मा टेन फाइव के बराबर, जहाँ पे जो टाउ एफ है वो आपकी शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है, और जो सी है वो कोहेजन है, क्या है, कोहेजन है, और सिग्मा आपके नॉर्मल स्ट्रेस है, और फाइ क्या है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, और टेन फाइव क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो आइए इनको लिख लेते हैं, इनमें लिख लेते हैं कि कौन क्या है। तो यहाँ टाउ एफ क्या है, जहाँ टाउ एफ क्या है, शियर स्ट्रेंथ, क्या है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। टाउ एफ क्या है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, सी क्या है, कोहेजन ऑफ सॉइल, सी क्या है, कोहेजन ऑफ सॉइल। ठीक है, सी आपका है कोहेजन ऑफ सॉइल, और फाई है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, और जो टेन फाई है, क्या है, टेन फाई है, वो है कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये आपकी बात हो गई किसकी, कूलाम्स लॉ की। तो कूलाम्स लॉ ने क्या, कूलाम ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नॉर्मल स्ट्रेस के। ठीक है, किसके, नॉर्मल स्ट्रेस के। तो बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन हमने कुछ कर्व ड्रा किए, क्या किए, कर्व ड्रा किए, जो आपका रिलेशन बता रहे थे शियर स्ट्रेंथ और नॉर्मल स्ट्रेंथ और कोहेजन के बीच में। तो आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स के लिए उन्होंने जो क्या दिए, उन्होंने कुछ कर्व्स ड्रा किए। तो सबसे पहला उन्होंने लिखा, बताया कि फॉर कोहेसिव फ्रिक्शनल सॉइल, पहला उन्होंने बताया कोहेसिव फ्रिक्शनल सॉइल के लिए उन्होंने एक कर्व बनाया, जो कर्व कुछ इस प्रकार का था। ठीक, क्या था, कुछ इस प्रकार का था, ये एक्स एक्सिस मान लिया, और इसे मान लिया वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे आप, वाई एक्सिस पे आपकी क्या हो गई, शियर स्ट्रेस
शियर स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेंथ, इसको लिखा आपने टाउ एफ से, किसे लिखा टाउ एफ से, और यहाँ तक मान लिया कि क्या थी ये आपका सी था, या ये क्या था कोहेजन था, क्या था कोहेजन था, ठीक है, ये आपका क्या था कोहेजन था, और यहाँ से उन्होंने कहा ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे एंगल बनेगा फाई, तो ये जो फाई है ये क्या है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, और ये सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कोहेजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये इसके लिए जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी tau f इक्वल टू हो जाएगा c प्लस सिग्मा tan phi, tan phi ये किस तरीके की सॉइल के लिए था, ये आपका कोहेसिव फ्रिक्शनल सॉइल के लिए था जिसमें कोहेजन भी था, जो कोहेसिव सॉइल भी थी और उसमें फ्रिक्शन का भी रोल था, तो उसके लिए ये इन्होंने ग्राफ बना के दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें कोहेजन लेस सॉइल की, ये कौन सी सॉइल हो गई, ये कोहेसिव फ्रिक्शनल सॉइल हो गई, अब दूसरे तरीके की सॉइल आपकी कैसी हो सकती है कोहेजन लेस सॉइल हो सकती है, तो अगर कोहेजन लेस सॉइल के लिए यही फिगर ड्रा करना हो तो कैसे होगा आइए देखते हैं, दूसरा लिखिए कोहेजन लेस सॉइल का मतलब क्या है कि c बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो जो आपका समीकरण है वो क्या रह जाएगा, समीकरण आपका रह जाएगा tau f equal to सिग्मा tan phi, जो आपका इक्वेशन बना कूलाम का इक्वेशन वो क्या बचा tau f equal to सिग्मा tan phi, तो इसके लिए ग्राफ ड्रा कर लीजिए, ये आपका क्या हो गया x एक्सिस और ये क्या ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है, यहां पे ये आपका क्या हो गया phi हो गया, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हो गया, और ये किसकी वैल्यू है ये tau f की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है सिग्मा tan phi, ठीक है, ये हो गया सिग्मा tan phi, तो इधर क्या रहेगा इस पे आपकी शियर स्ट्रेस हो गई, ठीक है, क्या हो गई शियर स्ट्रेस, तो ये इस तरीके का ग्राफ बना किसके लिए कोहेजन लेस सॉइल के लिए, क्योंकि इसमें सी नहीं था इसलिए सी की वैल्यू क्या हो गई गायब हो गई, ठीक है। अब अगर तीसरे तरीके की सॉइल के बारे में बात करें तो तीसरे तरीके की सॉइल आपकी कैसी हो जाएगी कोहेसिव सॉइल, तीसरी सॉइल कैसी हो गई कोहेसिव सॉइल, और कोहेसिव सॉइल, तो उन्होंने जो कोहेसिव सॉइल के लिए जो ग्राफ बनाया कोहेसिव सॉइल के लिए क्या हो गया कि जो आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होगा, यानी जो अगर आपकी सॉइल पूर्णतया कोहेसिव है, जैसे आपकी क्या जैसे मान लेते हैं कि प्योर क्ले, क्या प्योर क्ले, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं जो उसके पार्टिकल्स हैं उनके लिए सी की वैल्यू तो होगी, लेकिन जो जो फाई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, यानी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन वहां पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो जो इक्वेशन है वो आपकी क्या बनेगी tau f equal to क्या था c plus sigma tan phi था, तो phi जीरो हो गया, तो क्या बचा tau f equal to c, tau f equal to क्या बचा c बचा, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका क्या है y एक्सिस है, और ये मान लेते हैं यहाँ पे कोई c की वैल्यू है, तो इसके लिए जो ये ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी ये हो जाएगा tau f equal to c, tau f equal to c, तो इस तरीके का ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया ये आपका हो गया कोहेसिव सॉइल के लिए कूलाम का ग्राफ, ठीक है। अब क्या हुआ कि कूलाम ने जो ग्राफ बनाया या कूलाम ने जो नियम दिया उसमें कुछ समस्याएं थी, उनमें क्या थी कुछ समस्याएं थी, तो उन समस्याओं को ठीक किया डॉक्टर कार्ल टर्जागी ने, और डॉक्टर टर्जागी ने 1936 में बताया कि जो कूलाम का नियम है वो वैलिड नहीं है, वो बहुत सारे केसेस में क्या कर जाता है फेल कर जाता है, तो उन्होंने कूलाम के नियम में कुछ चेंज किए और उन्होंने बना दिया मॉडिफाइड कूलाम्स लॉ, क्या कर बना दिया मॉडिफाइड कूलाम्स लॉ, तो आइए पढ़ लेते हैं मॉडिफाइड कूलाम्स लॉ या फिर कूलाम का संशोधित नियम, इसे किसने दिया डॉक्टर टर्जागी ने 1936 में कुछ संशोधन किए, क्या किए कूलाम के नियम में कुछ संशोधन किए, जो कूलाम का नियम था उसमें क्या किए कुछ संशोधन किए, कौन कौन से संशोधन किए कूलाम के नियम में कुछ संशोधन किए, ठीक है, तो कौन कौन से संशोधन किया ये देखते हैं संशोधन किए, तो पहला जो उन्होंने उसमें चेंजमेंट किया या मॉडिफाई किया, तो उन्होंने कहा कि जो प्रतिबल लिया गया था यानी जो स्ट्रेस ली गई थी वो कितनी ली गई थी c
प्रतिबल सिग्मा के स्थान पर, प्रतिबल सिग्मा के स्थान पर इफेक्टिव स्ट्रेस या फिर प्रभावी प्रतिबल लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो प्रतिबल सिग्मा था, यानी जो क्या थी, कूलम की इक्वेशन क्या थी, कूलम की इक्वेशन थी टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई। तो उन्होंने बताया कि ये जो सिग्मा था इसकी जगह पे हम क्या लेंगे, सिग्मा डैश लेंगे, यानी प्रतिबल सिग्मा के स्थान पर हम क्या लेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश की वैल्यू ली जाएगी। उन्होंने कहा इसकी जगह पे हम सिग्मा डैश की वैल्यू लेंगे, ठीक। दूसरा उन्होंने बताया कि ये जो सी था, क्या था, सी था, कोहेजन था, इस कोहेजन के स्थान पर हम सी डैश की वैल्यू लेंगे। क्या कहा कि कोहेजन सी के स्थान पर सी डैश लेंगे, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। और क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो फाई है, फाई क्या है, फाई के स्थान पर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, फाई के स्थान पर हम एंगल ऑफ इफेक्टिव इंटरनल फ्रिक्शन लेंगे, ठीक है, फाई के स्थान पर क्या लेंगे, फाई डैश लेंगे। तो ये जो इक्वेशन बनी, वो क्या बनी, इनके अकॉर्डिंग जो मॉडिफाइड, क्या मॉडिफाइड जो कूलम्स लॉ बना वो आपका बन गया टाउ एफ डैश इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा डैश टेन फाई डैश। ये बन गया आपका मॉडिफाइड कूलम्स लॉ, ठीक है, क्या बन गया, मॉडिफाइड कूलम्स लॉ। यहां तक ये हमारा क्या था, ये कूलम्स लॉ के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे टेस्ट, क्या पढ़ेंगे, टेस्ट की जो शियर स्ट्रेंथ है उसको कैसे कैसे निकालते हैं, यानी उस पे हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टेस्ट ऑन सॉइल टू मीजर या फिर टू डिटरमाइन शियर स्ट्रेंथ,